नमस्ते चिबाई, ये मेरा 2023 का सबसे पहला फेसबुक लाइव है और मैं आप सबको सबसे पहले नए साल का 2023 का शुभकामना देना चाहता हूँ। टू ऑल माय पीपल ऑफ त्रिपुरा, आपने बहुत मैसेजेस भेजा है मुझे, मेरे हेल्थ के बारे, मेरे स्वास्थ्य के बारे पूछने के लिए कि आपका तबीयत कैसा है। पहले से काफ़ी ठीक है और मैं आप सबको थैंक यू, धन्यवाद, हम बाय बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपने घर में मेरे लिए प्रार्थना किया, पूजा किया, प्रेयर किया, दुआ मांगा और आज थोड़ा सा हेल्थ ठीक हुआ है। कमज़ोरी अभी भी है लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद मैं फुल्ली फिट होकर मैदान में, ज़मीन में आकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना मूवमेंट को जारी रखूँगा। आपने इतना प्यार दिया है मुझे, मुझे खबर मिला कि गांव-गांव से बूढ़े औरत लोग ने, माँ लोग ने मेरे लिए पूजा किया है, प्रार्थना किया है। आपने इतना प्यार दिया है मुझे, बुबागरा को आपने इतना प्यार दिया है और बुबागरा भी आपको बोलना चाहता है। ये नया साल है 2023, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आप एक बात समझ लीजिए, आज जो भी मैं हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ। जो गांव में उम्मीद लगाकर बैठा है कि इस बार हमारा बुबागरा हमको कुछ देगा, इस बार हमारा बुबागरा, हमारे तिपरासा, हमारे त्रिपुरा के सब लोगों को, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, हमें कुछ मिलेगा, हमारा भविष्य, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलेगा। और मैं आपको बोलता हूँ एक बात तो पक्का है कि मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और अपने लोगों को कुछ दूंगा। आज फेसबुक लाइव 2023 मेरा सबसे पहला फेसबुक लाइव है और इस लाइव में मैं आपको एक चीज़ क्लियरली, एक मेरा मैसेज है आज के लिए। आज से 4 साल पहले माधव बारी में 8 जनवरी को, जब हमारे निहत्ते अनाम स्टूडेंट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय हम सब ने देखा कि पुलिस ने निशाना देखकर हमारे पिपरासा को गोली से मारा। और ये बात बहुत क्लियर है कि उस दिन जब हमारे लोगों को, जिनके हाथ में कुछ हथियार भी नहीं था, उनको जब आपने निशाना देखकर हमारे लोगों को मारा, उस दिन आज भी मेरे दिल के अंदर है। ये जो जख्म है वो आज भी हमारे अंदर है। उसके बाद हमने सबने देखा कि जब एम्बुलेंस में हमारे घायल लोगों को ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस को रोककर हमारे लोगों को पीटा गया, एम्बुलेंस उसको रोककर हमें लोगों को पीटा गया। आज जब हमारे लोगों को ऐसा इस तरीके से टारगेट किया जाता है, और मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जब सोनू निगम का इस दिन कॉन्सर्ट हुआ तो स्टेज कोलैप्स हुआ, बहुत दुख का बात है, बहुत दुख का हादसा है, तो इमीडिएटली हमारे मुख्यमंत्री जीबी हॉस्पिटल गए, अच्छे अच्छा है गए, आईएलएस गए, देखा जो घायल थे। जब हमारे माधव बारी में हमारे लोगों को गोली मारा गया, एक मंत्री नहीं गया, एक एमपी नहीं गया हमारे लोगों को देखने के लिए। ये कहाँ सबका साथ सबका विकास। अगर कोई मंत्री कि एस्कॉर्ट या कॉन्वॉय में कोई साधारण इंसान बीच में आ जाता है तो हमारे मंत्री लोग या एमपी लोग
ट्रैफिक कांस्टेबल को सस्पेंड करते हैं, लेकिन 5 आदमी को गोली मारा गया और एक ऑफिसर भी ट्रांसफर नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ। क्यों है त्रिपुरा में 2 कानून, एक हमारे लिए और एक सबके लिए? क्यों? ये जो माधव बारी का इंसिडेंट है, ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने ही राज्य में, अपने ही जमीन में हमें अलग कर, हमें वंचित कर ये शासन किया जा रहा है। हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। और मैं अपने लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये आम नागरिक नहीं करता। त्रिपुरा के सब लोग अच्छे हैं, जो जनता है त्रिपुरा का, जो आम नागरिक है, बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सब अच्छे हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे नेता लोग समझते हैं कि वो हमारे जो आम जनता उनसे ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उस दिन एक मैसेज दिया गया कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, CAA के प्रोटेस्ट करने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है। हमने कोई गैरकानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था उस दिन, जो स्टूडेंट्स ने गैरकानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था, लेकिन उस दिन हमारे संग जो सुलूक किया गया वो हमें मैसेज देने का एक तरीका था कि आप अगर ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो आपको इस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। ये देश आपका नहीं है सिर्फ, ये देश हमारा भी है। ये देश में सिर्फ आपका आवाज़ नहीं चलेगा, ये देश में हम सबका आवाज़ चलना चाहिए। ये जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, लिखा है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये देश सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है। और आप हमारा आवाज़ को बंद करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना आवाज़ और ज़ोर से उठाएंगे। ये देश एक धर्म का नहीं है, एक मजहब का नहीं है, ये देश सिर्फ एक जाति का नहीं है, ये देश हम सबका है। और ये देश एक सोच का नहीं है, ये देश हर सोच का है। ये देश को एक आइडियोलॉजी ने नहीं बनाया, ये देश में हर आइडियोलॉजी को जीने का एक अधिकार है। और 8 तारीख को हम लोग ब्लैक डे ऑब्जर्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने ये जो राजभवन अभियान था हमारे मोथा के खिलाफ, मैंने देखा 2-3 भाषण। किसी ने कहा कि थानसा का मतलब क्या होता है, जो थानसा का मतलब नहीं समझता है, जो एकता का मतलब नहीं समझता है, वो हिंदुस्तान का मतलब नहीं समझता है। थानसा का मतलब एकता होता है, थानसा का मतलब भाईचारा होता है, थानसा का मतलब यूनिटी होता है। अगर आप ये देश को मजबूत करना चाहते हो ना, अगर आप हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हो ना, तो थानसा का शब्द को समझ लेना चाहिए आपको। जो लोग बोलते ये थानसा क्या है, उनको समझना चाहिए कि थानसा नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, थानसा नहीं रहेगा तो भाई भाई से लड़ेगा, थानसा नहीं रहेगा तो समाज टूटेगा, थानसा नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगा तो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान हमें तोड़ने की कोशिश करेगा। थानसा का मतलब एकता होता है, एकता से ही देश आगे बढ़ता है, एकता से ही दफा आगे बढ़ता है। और आप जो लोग थानसा के बारे बोलते हैं ये थानसा क्या है, एक बार फिर से जाकर अपने स्कूल का किताब को खोल के पढ़िए। ये देश थानसा से बना, और ये जो हमारा तिपरासा है वो थानसा को तोड़ने अब नहीं देगा। किसी और ने बोला कि ये लास्ट फाइट क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेता लोग नेक्स्ट इलेक्शन के बारे सोचते हैं,
मैं नेक्स्ट इलेक्शन के बारे नहीं सोचता हूँ, मैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचता हूँ, मैं अगला जनरेशन के बारे सोच रहा हूँ, मैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोच रहा हूँ और आप नेक्स्ट इलेक्शन के बारे सोच रहे हैं। हमेशा 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, पैसा फेंका जाएगा और हमारे वोट को खरीदा जाएगा। इलेक्शन खत्म, हमारा भविष्य भी खत्म। इलेक्शन खत्म, दिल्ली के नेता लोग वापस चले जाएंगे दिल्ली, त्रिपुरा का क्या होगा? हमारे घर में बिजली नहीं आएगा, स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगा ठीक से, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर को काम करने के लिए मशीन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। दिल्ली का नेता फिर से आएगा, फिर से आपको प्रॉमिस करेगा जो 75 साल से होते रहा है। इलेक्शन खत्म, वापस दिल्ली और त्रिपुरा जैसा था वैसे ही रहेगा। हमारे त्रिपुरा के लोग, आप असली सवाल पूछो, रास्ता क्यों नहीं बन रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, आदमी आज भी क्यों गरीब है त्रिपुरा में? आज आसाम में लोगों के पास पैसा आ गया, नागालैंड में आ गया, मिजोरम में आ गया, मेघालय में आ गया, लेकिन त्रिपुरा का जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, क्यों इतना गरीब है, क्यों इतना वंचित है? क्यों भी आज हमें रेगा में रास्ते में पत्थर तोड़कर हमें अपना घर चलाना पड़ता है? क्यों? क्या रोक रहा है आपको? आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके पास तो करोड़ करोड़ पैसा है, तो ये पैसा आप सिर्फ इलेक्शन के समय क्यों अनाउंस करते हैं? इलेक्शन के एक महीने पहले ही आपको क्यों नींद से आप उठकर बोलते हैं कि त्रिपुरा को हम ये देंगे, त्रिपुरा को हम वो देंगे, त्रिपुरा को इतना करोड़ रुपया देंगे? 5 साल तक आप क्यों सो के बैठे थे? इलेक्शन के पहले ही आप क्यों उठते हैं? त्रिपुरा के लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? ये आप 1 साल पहले अनाउंस नहीं कर सकते थे, ये आप 6 महीने पहले अनाउंस नहीं कर सकते थे। इलेक्शन के पहले मेरे त्रिपुरा के प्यारे लोग ये आएंगे, फिर से वादा करेंगे, इलेक्शन खत्म, वापस वही जो हमारा कंडीशन था वही रहेगा। आप लोग एक बात तय कर लो, सिस्टम को चेंज करना है कि नहीं? अगर सिस्टम को चेंज करना है तो अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। ये सिस्टम सड़ चुका है। हमारे त्रिपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग सीधे हैं, सिंपल हैं, ईमानदार हैं, और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे लीडर लोग खराब हैं, हमारे लीडर कुछ, सब नहीं, कुछ लोग स्वार्थी हो गए। थोड़ा पैसा मिला तो अपने आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा पैसा मिला तो अपने सपोर्टर को, अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर बेच दो। ये पैसा ना पूरे जिंदगी आपके जेब में, आपके बैंक में नहीं रहेगा। हमें अधिकार चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, हमारा फाइट हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए है। आज मंदिर और मस्जिद के बारे हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बारे बात करना चाहिए। आज हम धर्म में बात कर रहे हैं कि ये इसका ये धर्म है, इसका वो धर्म है। स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, वो बात नहीं करेंगे आप। आज आपने एक सवाल, मेरे एक मंत्री ने हमारे MDC के बारे पूछा कि इसका बाप क्या करता था और ये आज क्या कर रहा है, इतना पैसा कहाँ आया, इसका बाप क्या करता था? हमारे MDC के बारे आपने सवाल पूछा, उंगली उठाया। उमा शंकर का पिताजी किसान था और वो आज MDC है, उसका बच्चा कल त्रिपुरा का DIG बनेगा, वो उसका अधिकार है। एक त्रिपुरा सा DIG क्यों नहीं बन सकता? क्या किसान का बेटा पूरा जिंदगी किसान खेत में काम करेगा? उसका बच्चा क्या स्कूल नहीं जाएगा? आप किसी के बैकग्राउंड में क्यों अटैक करते हो?
आज अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो चाय बेचता था, देश का प्राइम मिनिस्टर है, हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे देश में एक जो चाय बेचता था वो प्राइम मिनिस्टर है। तो एक टिपरासा जो गांव में काम करता है, पत्थर तोड़ता है, उसका बच्चा त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनेगा, त्रिपुरा में डीजी क्यों नहीं बनेगा, हाईकोर्ट में जज क्यों नहीं बनेगा? ये सिर्फ हम क्या पूरी जिंदगी जहां में थे वहीं में रहेंगे? अपना औकात, अपना बैकग्राउंड, अपना आइडेंटिटी को मत भूलो। गर्व करो कि मेरा पिताजी किसान था, मैं और मेरा बेटा कल कुछ और बनेगा, यह आपका अधिकार है। और मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये इलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मेरा लास्ट फाइट है। आपको मजाक उड़ाना है कि क्या है लास्ट फाइट, ये मेरा लास्ट फाइट नेक्स्ट जेनरेशन के लिए है, ये मेरा लास्ट फाइट मेरे जमीन के लिए है, ये मेरा लास्ट फाइट मेरे लोगों के लिए है, ये मेरा लास्ट फाइट इसलिए है क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मैं कितना दिन जिंदा रहूं। आपके लिए क्या है ये फाइट? पद आपके लिए क्या है ये फाइट? पोस्ट आपके लिए क्या है ये फाइट? और एक इलेक्शन, पावर, ये पावर ना परमानेंट नहीं, राइट्स परमानेंट है। मैं अपने लोगों को अधिकार देना चाहता हूं, आप अपने पार्टी को पावर में लाना चाहते हैं। पार्टी से बड़ा लोग होता है, पार्टी से बड़ा हमारा नागरिक होता है। पीपल आर बिगर देन द पार्टी। पुइला जाति, पुइला देश, उलो पार्टी। देश अपने पार्टी से बड़ा है। मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं अपने राज्य से प्यार करता हूं, मैं अपने पार्टी को बाद में प्यार करता हूं, ये सोच रखना चाहिए। ये 2023 का इलेक्शन मैं पॉजिटिवली फाइट करना चाहता हूं, मैं नफरत से नहीं फाइट करना चाहता, मैं प्यार बांटना चाहता हूं। और यहां में बहुत पार्टीज भी है, IPFT भी है, NC देव वर्मा अब नहीं रहे, भगवान उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन मैं IPFT से फिर से दरख्वास्त करना चाहता हूं, कुछ नहीं मिलेगा, आपका डिमांड और हमारा डिमांड भी एक ही, एक हो जाइए, मुझे नाम में कुछ परवाह नहीं है, एक होकर, एक सिंबल में, एक पार्टी होकर, एक आवाज में। पब्लिक को थानसा देखना है, पब्लिक को कुछ नहीं देख चाहिए, पब्लिक को थानसा देखना है, एक पार्टी होकर, एक आवाज में, एक सिंबल होकर चलिए फाइट करते हैं। मैं रेडी हूं। पब्लिक को जो चाहिए, हमारे लोगों को, गरीब जनता को यही चाहिए, गरीब जनता आशा कर रहा है। और अगर हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए अगर हमने जनता का दिल तोड़ा ना, तो भगवान भी कभी हमें माफ नहीं करेगा। ये एक राइट चांस है हमें एक होने के लिए। और मैं आप सबको अपील करता हूं, IPFT को अपील करता हूं, नाम में क्या लिखा है, नाम जो भी होगा आप डिसाइड कीजिए, सिंबल एक होना चाहिए, तिपरासा को एक होना चाहिए, मुसलमान को एक होना चाहिए, हिंदू बंगाली को एक होना चाहिए, मणिपुरी आदिवासी को एक होना चाहिए, और एक होकर हमें एक आवाज में इस बार फाइट करना चाहिए। 2023 शुड बी अ ग्रेट ईयर फॉर एवरीवन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। I want you to be positive. नफरत मत बांटो, प्यार बांटो। नफरत से किसी को कुछ नहीं मिलता, प्यार बांटने से, थानसा करने से एकता होता है। आज जब माधव बारी में हमारे, आज से 4 साल पहले जब गोली मारा गया, वो TSF को गोली नहीं मारा गया, वो नेसो को गोली नहीं मारा गया, वो मोथा को गोली नहीं मारा गया, वो CPM, BJP, कांग्रेस को गोली नहीं मारा गया। जिस दिन गोली लगा था ना माधवबारी में, वो गोली टिपरासा को मारा गया। एक होइए, उठिए, प्यार बांटिए और शांति रखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। हम शांति से अपना बात रखेंगे और शांति से आगे बढ़ेंगे। ये मेरा मैसेज है। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। प्लीज बी यूनाइटेड एंड डोंट स्प्रेड हेट। और एक होइए। आई लव ऑल ऑफ यू। बेलाई बेलाई नुहाम्बाई, धन्यवाद, खुलुंका,
God bless all of you all. Long live Tipra Motha, long live Tipra Satoka, long live Tripura, long live Thansa, Ekta, long live India.